हमारे साथ आ चुके हैं राजकुमार आर पांडे जी ग्रीन कार्पेट पर। ये है मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी और आपका इतना बड़ा योगदान है भोजपुरी इंडस्ट्री को, उस योगदान में से एक चिंटू जी भी हैं। सर, इतना आपने जब शुरू किया था भोजपुरी इंडस्ट्री में, जब आपने अपनी करियर की शुरुआत की थी, तब भोजपुरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री नहीं थी जो आज है। इसका योगदान मैं गलत नहीं कहूँगी अगर मैं कहूँगी कि आपने, आपका बहुत बड़ा उसमें पार्ट रहा है। और आज जो है सर, इतना बड़ा बदलाव आप देखते हैं जब आप शुरू किए और आज, सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। मुझे याद है कि 2003 में हम लोगों ने एक फिल्म की प्लानिंग की थी, वो फिल्म थी कहिया डोरी लेके आई। उस टाइम मात्र 19 लाख की फिल्म बनी थी और स्मॉल पर्दा था, जिसको 16 mm की फिल्म कही जाती थी। उस टाइम उसको ब्लोप करके सिनेमा हॉल में दिखाते थे। तो उसके बाद मेरी फिल्म आई लागल लाहे राजा जी, जो सिल्वर जुबली हो गई। फिर उसके बाद सात सहेलियाँ आई, दीवाना बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर, सात सहेलियाँ बहुत बड़ी हिट हो गई। दुल्हन चाहिए बड़े पाकिस्तान से बहुत बड़ी हिट हुई। जीना तेरी गनी में प्रदीप पांडे चिंटू फिर आए, उनकी फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। और ये जो दौर बदलता रहा ना, वो बहुत कमाल का, और मुझे लगता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी सिनेमा के लिए, आप उसको धीरे धीरे किस तरह ग्लैमराइज होने लगता है। फिर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स और डालते हैं, नए नए मुद्दे लेकर आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नाउडेज जो भी ये टाइम है, इस टाइम में अब लोग जो है वो अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट भी ढूंढने लगे हैं और फिल्में बनने लगी हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि माहौल बनता जा रहा है धीरे धीरे। नए स्किल्स और नई टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के ग्रो करने के लिए और किसी भी फिल्म को एक बड़ी फिल्म बनाने के लिए, उसका मैसेज डायरेक्टली दर्शकों तक पहुँचाने के लिए इन सब चीज़ों की तो ज़रूरत होती है। और वो चाहिए भी, मगर नए टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ तो कुछ मतलब भी नहीं ना। आप देखिए, जो समाज में चीज़ें घटती रहती हैं, सिनेमा बेसिकली समाज का आईना है, और जो घटनाक्रम में चीज़ें दिख रही हैं उसको दिखाना है। ये बात और है कि सिनेमा लार्ज इन द लाइफ, जो छोटी भी चीज़ को बड़ा दिखा देना है, या कई बार बहुत बड़ी चीज़ें हैं ऐसा लग रहा है कि सामाजिक स्तर पर जिस तरह हुआ है अगर वही दिखाएंगे तो गड़बड़ है, तो उसको मर्यादित कर दिया जाता है। सेंसर का अपना एक होता है तो उसको समेट के भी दिखाया जाता है। वहीं पे तो हमारी क्रिएटिविटी आती है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे ड्रामे का रूप भी दें ताकि लोगों की रुचि भी रहे और जो हमारा मैसेज है वो हिले ना। 15 सेकंड के ऐड में भी लोग अपनी बात कह जाते हैं, तो ये कितना बड़ा ब्रेन है लोगों का कि ये क्रिएटिविटी तो है कि आप 15 सेकंड में भी कहते हैं और 15 साल में भी वह समझ में नहीं आती जो 15 सेकंड में भी लोग समझ जाते हैं। सालों भी उस चीज़ को भूलते नहीं है, उस 15 सेकंड की चीज़ को। सर, आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आप इतने टाइम से हैं ही यहाँ पे, आप क्या चाहेंगे कि आने वाली जो मूवीज़ होनी चाहिए भोजपुरी में, वो किस टाइप के मुद्दों को उठाना चाहिए? अब देखो, टाइम धीरे धीरे, चूंकि अभी तक सिनेमा हॉल्स की जो परिस्थितियां हैं बहुत अच्छी नहीं हैं, बाकी फिल्मों के लिए तो बहुत अच्छा कुछ चीज़ें हो गई हैं, जैसे यूपी गवर्नमेंट बहुत बड़ा काम कर रही है इस चीज़ों को लेकर। अब जैसे मान लीजिए सब्सिडी की शुरुआत हुई, फिल्मों को प्रमोट किया जा रहा है, सिनेमा हॉल्स खाली मिल जाए। मेरा बार बार बोलना है सरकार से भी, अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट से भी, जहाँ जहाँ भोजपुरी बोली जाती है या जहाँ दिखाई जाती है, कंपलसरी हो जाए कि एक स्क्रीन पर भोजपुरी ज़रूर लगेगी, तब मुद्दे बड़े बड़े आ जाएंगे, तब फिल्मों में और बजट आ जाएगा, तब इन्वेस्टर्स और लाएंगे, क्योंकि टिकट विंडो बहुत बड़ा काम करता है, बॉक्स ऑफिस का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, मोबाइल पर कितने दिन तक फिल्में देखेंगे आप? हमसे बहुत पहले विदेश की जो फिल्में हैं, अमेरिकन, लंदन या जहाँ की इंग्लिश फिल्में जो भी हैं बनती हैं, वो हमसे कई साल पहले उनका नेटवर्क बहुत बहुत बड़ा रहा है, लेकिन आज उनकी फिल्में सिनेमा हॉल में बहुत बड़ी हिट हो रही हैं। इसका मतलब है कि जो सोशल मीडिया पे या उसके ऊपर जो फिल्में मोबाइल पे या इसके थ्रू देखते थे, उससे मन भर गया। असली एक्सपीरियंस तो पर्दे पे ही होते, बड़े पर्दे पे ही लिया जाता है, वहीं छोटे इमोशन को भी बड़ा दिखाया जा सकता है, वो मोबाइल में नहीं समझ में आने वाली चीज़ें स्किप हो सकती हैं पर बड़े पर्दे पे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहा गया है कि जिंदगी कोई सिनेमा नहीं जिसको जब चाहे रिवाइंड करके और जब जी चाहे फॉरवर्ड करके देख लिया जाए, वैसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उम्दा बातें कहीं सर आपने, आपसे बातचीत करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं कि आपका योगदान और आपका सपोर्ट हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री को मिलता रहेगा और भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे जाएगी और हम अपनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा रख सकेंगे। जो स्क्रीन वाली बात भी कही आपने, आशा करते हैं कि गवर्नमेंट और बाकी जो सपोर्टर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, ये सारी बातें सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। बोल बहुत अच्छा रही हैं और बहुत टैलेंटेड हैं, और ईश्वर करे कि आप आगे बढ़ें, जो भी आपने दिमाग में सोचा हो, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में ईश्वर आपको बड़ा मुकाम दे और बड़ी उपलब्धि मिले, मैं यही आशीर्वाद। थैंक यू सो मच।